Hello friends, welcome to Computer Solution. Computer Solution में आपका स्वागत है. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें और मेरी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को शेयर कर लें और लाइक करना ना भूलें. आज हम बात करते हैं रैम क्या है. पहले आज हम बात करते हैं रैम की फुल फॉर्म. रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैम कंप्यूटर का एक भाग है जो मुख्य कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, जो कि आमतौर पे रैम मदरबोर्ड से जुड़ी होती है. ये मदरबोर्ड से जुड़े होने के कारण अपना कार्य करती है. रैम एक टेम्पररी मेमोरी होती है. जैसे कि आपने देखा होगा, जब भी हम कंप्यूटर पे कोई भी कार्य करते हैं और कार्य करने के बीच में अचानक बिजली चली जाती है, तो आप देखते होगे बिजली आने के बाद हमारा जो वो कार्य हम कर रहे हैं वह अचानक खो जाता है. आपने आमतौर पर देखा होगा, जब भी हम कंप्यूटर या मोबाइल खरीदते हैं तब सभी ये पूछते हैं कि कंप्यूटर और मोबाइल के अंदर रैम है जो वो कितनी जीबी की होती है. ये किस लिए होती है? कि हमारा कंप्यूटर मोबाइल हैंग ना है, इसलिए पूछते हैं? नहीं, हम आपको बताते हैं यह किस लिए होता है. यह इसलिए होता है कि जैसे कि हम कभी भी कंप्यूटर मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन को डिलीट करते हैं, उसके बाद जो हमारा मोबाइल या कंप्यूटर स्पेस मांगता है, वो स्पेस कहाँ से आता है? वह स्पेस हमें रैम के द्वारा प्राप्त होता है. आपको रैम की डेफिनेशन इंग्लिश के अंदर मेरी वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी. आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें. अब हम आपको बताते हैं रैम के टाइप, कि रैम कितने प्रकार की होती है. रैम दो प्रकार की होती है. एक होती है एसटी रैम, दूसरी एस रैम. एसटी रैम का दूसरा नाम क्या है? डी रैम. इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिनक्रोसिस डायनेमिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी. एस रैम का पूरा नाम क्या है? स्टैटिक्स रैम. रैम किससे बनी होती है? रैम सेमीकंडक्टर सर्किट से बनी होती है. यह कौन सी मेमोरी में आती है? यह प्राइमरी मेमोरी में आती है. अब हम बात करते हैं एसटी रैम क्या है. एसटी रैम की फुल फॉर्म क्या है? पहले हम बात करते हैं सिनक्रोसिस डायनेमिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी. आप मेरी वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. हम फिर मिलेंगे जल्द आपसे. धन्यवाद.